फरीदाबाद के नामी टाउन पार्क में वीर एकलव्य दल संगठन द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर फरीदाबाद के उद्योग मंत्री के भतीजे अमन गोयल सहित फरीदाबाद उपमहापौर सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर सभी ने टाउन पार्क के सभी हिस्सों की सफाई की, साथ ही इस अभियान को यहीं तक सीमित ना रखते हुए इसे आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। वहीं इस मौके पर वीर एकलव्य दल के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चंदेलिया ने भी इस अभियान को हर सप्ताह पूरे फरीदाबाद में जगह जगह चलाने का निर्णय लिया। ये स्वच्छ भारत अभियान की पहल करते हुए वीर एकलव्य दल संगठन ने अपनी पूरी भागीदारी दिखाई है और तमाम आप देख सकते हैं महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, सारे संगठन के लोग आज 5:30 बजे से मॉर्निंग में 5:30 बजे से टाउन पार्क फरीदाबाद के अंदर हमने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। क्या इसमें पूरा टाउन पार्क साफ़ किया गया है या फिर कुछ हिस्से ही इसमें साफ़ किए गए? नहीं, पूरा टाउन पार्क साफ़ किया गया। आप देख सकते हैं पूरे टाउन पार्क पे आप अपना कैमरा लगा सकते हैं, आप यहाँ पर आए हैं। और एक सिर्फ टाउन पार्क की बात नहीं है, वीर एकलव्य दल संगठन जो मोदी जी ने और खट्टर साहब ने जो शुरुआत की है वो बहुत अच्छी शुरुआत की है। लेकिन मैं आपके द्वारा, क्योंकि मीडिया डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में आप एक स्तंभ हैं, मैं आपके द्वारा अपनी बात मोदी जी और खट्टर जी तक पहुंचाना चाहता हूं। माननीय मंत्री विपुल गोयल जी की बहुत अच्छी शुरुआत है, प्रशंसनीय कदम है विपुल गोयल जी का। मैं तमाम प्रशासनिक लोगों और माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाना चाहता हूँ अपनी बात कि स्वच्छ भारत अभियान को भाषण और प्रचार तक सीमित ना रखें, सेल्फी लेने तक सीमित ना रखें, ये एक दिन काम कर लिया उस तक सीमित ना रखें, जन जागरण अभियान चलाया जाए। और सबसे जो अहम बात है मेरी, वो अहम बात यह है कि जब तक जो बेरोजगार वाल्मीकि कम्युनिटी के सफाई कर्मचारी हैं उनकी तादाद जब तक नहीं बढ़ाई जाएगी, लोगों को रोजी रोटी तब तक नहीं दी जाएगी, तब तक ये स्वच्छ भारत अभियान मेरे हिसाब से बेमानी है। ये टाउन पार्क में छिड़ा गया है जी, और वीर एकलव्य दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र चंदेलिया जी उनके द्वारा ये जो चल रहा है, और आगे जैसे हमारे नेताजी रणनीति बनाएंगे उसी हिसाब से हम काम करते रहेंगे। लेकिन ये अभियान हमारा रुकेगा नहीं।